यार देखो ना, तुसी इस जा जानी ऑफिशियल टीम ते हैं काम किता, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। उस्ताद होना दी नेचर किस तरह दी सीगी? उस्ताद उन्हां दी नेचर जो एक अदारे दे सरबराह दी हुंदी है उदां दी भी सी। उस तो बाद मसलन के जेड़ा बंदा घरों हुंदा है ना, हाँ वो तो साडा काम इदां दा है बई कि इहदे च ना फैमिली वाला तलक चाहिए एक दूसरे दे नाल, भरा बंदी वाला। जिनी देर तक मेरी तेरे नाल कोई ऐसा तलक नहीं ना है, हम मांगी जिन्हों कहने हैं आपा, नहीं दिल नहीं अपने एक दूसरे ना मिलने, तो आप एक दूसरे नू गल भी नहीं कोई कर नहीं कर सकते, सकते। आप एक दूसरे की इज्जत करती रहना। तो उस्ताद होनी जो काम का टाइम होंदा सी उदों उन्हां तो वध कोई करैक्टर नहीं है, एक्टर नहीं है, जुगतबाज नहीं है, तो जो कैमरा बंद होना तो फिर वो एक सरबराह ने अदारे दे, मसलन के साडे उस्ताद ने, तो असं भी फिर उन्हां सामने चुप। बिल्कुल ठीक है। हुण कुछ बड़ा उन्हों का सोशल मीडिया सरगर्म होया हो वा कि जी सजाद जानी साहब की फैमिली नू गालां कड़ियां, उन्हों की मिसिज नू, उन्हों की बेटिया नू, उन्हों की माँ जी नू। उस तो बाद मिठे भाई की फैमिली नू सुनने चा भी आया, उन्होंने कहरा अवैस करैक्टर आ उन्हें ताड़ी फैमिली नू भी गालां कड़ियां, तुहानू भी गालां कड़ियां, हाँ जी, ए वजह की बनी, रीज़न की है? पता नहीं यार वजह उन्हूं केड़ी एडी केड़ा या कोई मसला है साढ़े ना, तो सानू दसे ना यार सीधा आके। चलो भाएं ना दे उन्हूं कोई मसला होएगा, साढ़े ना उन्हूं की मसला से, तो वो तीसरे कैरेक्टर को थर्ड परसन को जाके साढ़े घर दियां गल्लां कर रहा वा, जिन्हों नहीं पता सुनैन कित्थे दा वा, सुनैन कौन आ, समझ रहे? उन्हूं सिर्फ ये पता कि सुनैन जुगतबाज, तो उन्हों तू जाके जो तू मेरी माँ भैन मेरे घर बारे तू गां बातें कड़नियाँ वा, तो फिर गलत गल है ना भैया। तो कोई नहीं, असी वो पिछे गए भी सी, मैं परचा भी कराया से उन्हें यार, मैं तो सुलही है शर्त ते की, बल्कि आ गल देख के की कि यार मिनट उन्हें कड़ियाँ जमाने दियाँ तीन चार गल, अच्छा समझ? किन्ना बहुतियां कड़ियां भी ओहदे नाल हे लगे हुए। मैं तेन उही तो दसन लगा, मैं सुलह कर तू की कि यार जे वह बंदा मसलन के सारे शजरे दियां गालां सुन के उहदे नाल आ, तो फिर असी भी सुलह कर लीए, समझ रहे? सोनी भाई नू यार उन्हें बड़े गलत लफज बोले ने, मेरी तो बेगम नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई, समझ रहे हो? मेरे उन्हें दो तीन जड़ियाँ परसनल अटैक किए उन्हें मेरे से, मसलन के मैं नशा करदा लाहौर, मैं करदा वा यार, मैं जो भी करदा तेरे बटुए चु करदा, तेनू की मसला? मैं तो उन्हें इस तो लड़े हाँ कि मेरे घर ना गल पहुँच जाए, मेरे घर गल पहुँच जाती तो उन्होंने मैं कह रहे ने मीठा चुप करके चैनल चो लैफ्ट हो लैफ्ट हो गया। पाए ने ना उस्ताद होना तो लैदा किन्ने देर चलिया तुम पता चैनल? तकरीबन साल, हाँ जी तकरीबन साल आ, मसलन के 8 तो 9 महीने का पीरियड। हाँ जी, तो वो दौरान चुप करके चला गया मिठा। यार तू एक दुकान दे वेच तेरी पार्टनरशिप आ, तू दुकान ते काम कर रहा, तेरी दुकान चल रही है, तेन देख रहा वो तेन महीने का 60-70 हज़ार रुपया आ रहा, तो तू चुप करके छड़ देगा कि यार जाओ मैं नहीं लैना तेरे को, मैं तेरे नाल काम ही नहीं करना। हालांकि उन्होंने देख भी रहा कि मेरा अगला गुजारा नहीं होना 2-3 महीने जो मैं काम ना लगा, चुप करके नहीं। उस दौरान भी अवैस ने बड़िया हरकत कीतियाँ, जिदी वजह तो हूँ दुबई का टूर असं कट्ठिया किया मिठा सोनी ऑफिशियल की टीम ने, तो उधरों मैं ते अबीरा ने। उस दौरान अवैस ने ना दुबई जा के ना बड़ा मसला खराब करता से बई, ये सही मसला खराब ही सही दुबई तो है। किस तरह? इन्होंने जाके उत्थे भाई ब्लैकमेल करना शुरू करता से मिठे नू कि भाएं दे खिलाफ वीडियो बनाओ, आ जिहड़ी आडियो इन्होंने विच लाई है ना इस वीडियो लगाई है, ये उत्थे कह रहे थे कि मिठा बह के साढ़े नाल भाएं दे खिलाफ वीडियो बनावे आडियो जोड़ के। पर इस गल का मैं कहां वा, मैं कसम चुकन भी ये बंदियां दे सामने ये भी आके गल कर लैन तो मैं असीं भी कर लाँगे, मैं कसम चुकन तैयार हाँ, मिठे ने उत्थे ना की कि मैं उस्ताद के खिलाफ कोई गलबात नहीं कर सकता, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਦੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸੀਗਾ ਮਿੱਠਾ ਸੋਨੀ ਅਫੀਸ਼ਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤੱਲਕ ਆ, ਧੰਨਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਿੱਠਾ ਸੋਨੀ ਅਫੀਸ਼ਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਠੇ ਬਾਈ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਖਲਾਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅਦਬ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਵੈਸ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਜ਼ ਆ। ਲੈ ਅਵੈਸ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਡੀਓ 'ਚ, ਕਾਲ 'ਚ ਤੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਭਾਈ ਜ਼ਬੈਦ, ਉਸ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੀ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮਿੱਠੇ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਬੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਵੈਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭੈਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਸੀ,
ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵਿਵਰਸ਼ਿਪ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ, ਵਿਵਰਸ਼ਿਪ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਉਸੇ ਕਾਲ 'ਚ, ਉਸੇ ਆਡੀਓ 'ਚ, ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 9 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣੀ ਭਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੱਠਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਆ ਮਿੱਠੇ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ।